शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस संकल्प सभा का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO नई दिल्ली स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भवन में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष गुलाम सिंह ने कहा कि आज देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार इस सभी मुद्दों से आम नागरिकों का ध्यान हटाकर गुमराह कर रही है, जिसका खामियाजा सत्तारूढ़ दल भाजपा को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना 2015 में हुआ, आज पार्टी 8 साल का पूरा हो गया है और 8 साल के बच्चे किसी भी रेस में किसी भी दौड़ में शामिल होने में सक्षम होता है। तो आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है, जिसमें हम लोगों ने संकल्प सभा के रूप में आज इस आयोजन को रखा। इस आयोजन का उद्देश्य है, मैंने जब से भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का झंडा थामा है तो दिल्ली और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से पूरे देश में एक संदेश जाता है। और क्योंकि मैंने इससे पूर्व में कई संगठनों में राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व कर चुका है, तो हमारे साथी अलग अलग राज्यों में भी हैं जो हमारे नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हैं। ऐसे साथी का आदेश था कि आप जहां कार्य करेंगे हम लोग भी आपके साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में तमाम राज्यों से आगामी लोकसभा चुनाव। देखिए, जो अभी महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये दोनों से परहेज रखते हुए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी अभी फिलहाल अपने बलबूते पे 100 सीटों की तैयारी करने में रणनीति तैयार कर रहे हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पे भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी बिना किसी गठबंधन का चुनाव अपने दम पे लड़ेगी और उसी संकल्प को लेने के लिए आज हम सभी राज्य के और खास करके दिल्ली प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं उस सभी ने संकल्प लेने के बाद दिल्ली के अलग अलग लोकसभा, दिल्ली के अलग अलग विधानसभा, हर वार्ड में हम लोग जनसंपर्क साधने का काम करेंगे, जन समस्याओं से अवगत कराने का काम करेंगे अधिकारियों को, शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को। आगामी लोकसभा चुनाव देखिए, और लोगों के लिए बेरोजगारी भी मुद्दा है, हमारे लिए भी बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी उस मुद्दे से भी बड़ा मुद्दा ये समझती है कि हमारे जो युवा साथी पढ़ लिख करके कुछ करना चाहते हैं, परिवार को एक आस होता है, ऐसे युवाओं को जो नशा तस्करों के द्वारा नशा में दलदल में धकेलने का काम हो रहा है, वो हमारा नशा मुक्त दिल्ली, नशा मुक्त भारत हो, ये संकल्प होगा। साथ ही भ्रष्टाचार, दिल्ली भ्रष्टाचार देश हो, उस पर सभी भ्रष्टाचारियों पे हमारी पहली नज़र होगी, उसका हम लोग विरोध करेंगे, उस विषय को हम लोगों के बीच में उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुभाष बिहारी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ही अब आने वाले आओ में लोगों के लिए विकल्प होगी, कि हमारी पार्टी जन जन तक अपनी नीतियों को पहुंचा रही है। आज देख बैक केंद्र की मोदी सरकार व अन्य राज्यों की पार्टियों की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व नगर जंगल राज से त्रस्त। इस अवसर पर महंत भाई तिवारी, भोज चौबे, राजेश दलाल, BMR आदि उपस्थित थे। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो फ्री की जलेबियाँ बट रही हैं, उस मुद्दे पे हम काम करेंगे दिल्ली में, जो कि जमीनी स्तर पे काम होती है। आप देख रहे हैं कि फ्री की जलेबियाँ तो बहुत सारी दिखाई जाती हैं, मैं उन सरकार से आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि वो बताएं कि उनके क्लिनिक कहाँ है। सर, देश की जनता फ्री की जलेबी खाना बहुत मंजूरी कर रही है वो। सर देखिए, मैं मानता हूँ कि इसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, वो सारी कुछ ठीक है, उनको फ्री की जलेबी, उनके मतलब उनके शिक्षा, उनके रहन सहन, आज दिल्ली जैसा कि आप समझते हैं 5 किलोमीटर की दिल्ली नहीं है। आप कभी हमें जमीनी स्तर पे चल के दिखें, आपको हम दिखाते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति है, लोग कैसा इस नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं, हमने जमीनी स्तर पे देखा है। लड़ेगी ये पार्टी, बिल्कुल लड़ेगी सर, और इस आपके माध्यम से हम इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं।
कि हम बिल्कुल फ्रंट पे आके उनसे पूछेंगे कि आपने दिल्ली के लिए क्या किया। देखिए आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का 8वां स्थापना दिवस था और बड़े अच्छे तरीके से कार्यक्रम का समापन हुआ है। आगे का पार्टी का जो कार्यक्रम है दिल्ली की 7 लोकसभा जिसमें हम अपने प्रत्याशी देंगे और भिन्न भिन्न राज्यों से जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में है, हमारी पार्टी की पकड़ है, वहाँ से लोकसभा हम अपने प्रत्याशी देंगे, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आसाम है और भी अन्य जगह से। अगर जो लोकसभा चुनाव आने तक हमारा संगठन मजबूत होगा तो वहाँ से भी हम लगभग 100 सीटों का टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटों पे आपकी क्या रणनीति? 8 से 10 महीने अभी लोकसभा चुनाव में बाकी है और अभी तक पिछले कई चुनाव से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में एक तरफा दिल्ली में 7 की 7 सीटें जो हैं जनता द्वारा दी जा रही हैं और दूसरी पार्टियां हैं जो दिल्ली में राज्य स्तर पर सत्ता में हैं वो भी अपने पूरे प्रयास में हैं। हमारा संगठन भी पूरे जोर शोर से उभर रहा है और पूरी विधानसभाओं में 7 लोकसभा में हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें और कितना अच्छा रिजल्ट होगा वो चुनाव हम बड़ी मजबूती के साथ में लड़ेंगे। हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, हमारी पार्टी अकेले अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव में जाएगी। आज जो रणनीति जहाँ जहाँ अभी राज्य स्तर पर चुनाव आ रहे हैं वहाँ वहाँ भी हम कोशिश में हैं कि कुछ चुनिंदा विधानसभा सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाएं। सबसे देखिए फ्री का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, कॉमन मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का। करप्शन फ्री राजनीति होनी चाहिए। देश में राजनेताओं द्वारा जो करप्शन का जाल फैलाया गया है और जो करप्शन में जाते ही राजनीति में करप्शन करने के लिए है उनके विरोध में हमारी पार्टी खड़ी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। बाकी सामाजिक सुविधाएं जो हैं, जो मानवाधिकार है, हर देश के नागरिक का जो अधिकार है उसके लिए पार्टी संघर्ष करती है और करती रहेगी। संगठन में जितने भी काबिल महिलाएं हैं और जो इच्छुक होंगी उस स्तर का चुनाव लड़ने के लिए जिनमें क्षमता होगी बौद्धिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, संगठनिक स्तर से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। आज कोई बड़ा ऐलान संदेश? ऐलान और संदेश तो यही है कि पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और जो लोग संगठन के प्रति समर्पित हैं उनका मान सम्मान को आगे बढ़ाते हुए संगठन को विस्तार दिया जाए।